बिहार विधानसभा भंग करना चाहते हैं सीएम नीतीश कुमार। कैबिनेट विस्तार नहीं होने पर भी तेजस्वी ने पूछे कड़े सवाल। विधानसभा भंग करने से भाजपा नीतीश या राजद को होगा ज्यादा फायदा। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं जन अखबार। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर विधानसभा भंग करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने सवाल भी किया है कि आखिर एक महीने में मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हुआ। इसका साफ प्रमाण है कि विधानसभा भंग करवाना चाह रहे हैं। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया और लिखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए से गठबंधन डील के तहत विधानसभा भंग करना चाहते हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आगे लिखा, लगभग एक महीने होने वाला है लेकिन बिहार में कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ है। बीजेपी जेडीयू में अविश्वास की खाई चौड़ी हो चुकी है। तीन नंबर की पार्टी के मुखिया द्वारा विगत तीन साल में तीन बार शपथ लेने के कारण बिहार में अब शासन नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार में सब कोई और सब कुछ बेलगाम है। मालूम हो कि सीएम नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होकर एनडीए के साथ आ गए हैं लेकिन बिहार में इस नई सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार अब तक नहीं हुआ है। हालांकि कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही सरकार में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। फिलहाल सीएम नीतीश कुमार की सरकार में जेडीयू सूत्रों के अनुसार बीजेपी की ओर से मंत्रियों के नाम अभी तय नहीं किए गए हैं, इसलिए कैबिनेट का विस्तार नहीं किया जा रहा है। आपको बताते चले कि एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी पूरे देश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं तो दूसरी तरफ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार में जन विश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं। इस यात्रा के जरिए तेजस्वी यादव के बीच जाकर ये बता रहे हैं कि उन्होंने 17 महीने के अंदर सत्ता में रहते हुए क्या कुछ काम किया है और उन्होंने कैसे लोगों को रोजगार दिया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जन अखबार।